बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी वो हस्ती है जो अल्लाह की तरफ से किसी कौम की हिदायत के लिए मबूस हुई। ये एक रूहानी मनसब है जो अल्लाह की तरफ से उसके चुने हुए लोगों को अता किया जाता था। पैगंबर चाहे किसी दौर में भी आए, वो मौहिद थे, यानी उन्होंने हमेशा एक खुदा की इबादत की तालीम दी। कुरान पाक के मुताबिक हर कौम के लिए पैगंबर भेजे गए जो अपने लोगों को सच्चा रास्ता दिखाते और खुदा के अजाब से डराते। इस्लामी अकायद के मुताबिक दुनिया में कमोबेश 1,24,000 अंबियाए कराम आए। ये तमाम मर्द अंबिया थे, क्योंकि इस्लामी अकीदे के मुताबिक कोई औरत नबी नहीं हुई। लेकिन इसराइली इस्तलाह इससे मुख्तलिफ थी। यहूदी मजहब की मुकद्दस किताब तलमूद के मुताबिक यहूदियत में 55 अंबिया का जिक्र आता है। यहूदी मुफस्सर राशी की तफसीर के मुताबिक इन 55 में से 48 मर्द अंबिया थे और बाकी 7 औरतें थीं। इन 7 औरतों को यहूदियत में नबी माना जाता है। यहूदियों की मुकद्दस किताब में इन औरतों के नाम भी आए हैं। ये भी लिखा है कि वो नबिया थीं। वहाँ नबिया के मानी सिर्फ पेशनगोई करने वाली या काहिना के हैं। काहिन या कोहिन अबरानी जबान में एक रूहानी मकाम व मर्तबे का नाम है। यहूदियों का काहिनों के बारे में ये अकीदा है कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून की नस्ल से हैं। वो 7 औरतें कौन हैं, इसका जिक्र आगे आएगा। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि यहूदियत में इन अंबिया के अलावा भी बहुत से नबियों का आना माना जाता है, तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा। लेकिन कहा जाता है कि उनका पैगाम चूंकि मखसूस कौम या इलाके के लिए था, इसलिए वो गैर मारूफ रहे। और तलमूद में जिक्र हुए ये 48 वो नबी हैं जो इनके अकीदे के मुताबिक सारी दुनिया के लिए आए थे। यहूदी रिवायत के मुताबिक नबूवत का दौर, जिसे न्यूवाह कहा जाता है, 5वीं सदी कबल मसीह के वस्त में इसका इख्तिताम नबी मलाकी पर हुआ। इस तरह यहूदियत में मलाकी को आखिरी नबी तस्लीम किया जाता है। अब जिक्र करते हैं इन 7 औरतों का जिनको यहूदियत में नबी माना जाता है। इनमें सबसे पहला नाम जनाब सारा का आता है। सारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा थी। 90 साल की उम्र तक हजरत सारा के यहाँ कोई औलाद न थी, तो अल्लाह ताला ने जनाब सारा को इनके बेटे इसहाक और इसहाक के बाद इनके बेटे याकूब की खुशखबरी दी। इस बिशारत के जिमन में एक बिशारत ये भी थी कि जनाब सारा की उम्र इतनी दराज होगी कि वो पोते को भी देखेंगी। हजरत इब्राहिम की तौहीदी दावत के बाद बाबल के बहुत से कम लोग आप पर ईमान लाए, इस वजह से हजरत इब्राहिम ने हजरत सारा के हमरा मिस्र जाने का इरादा किया। तारीखी रिवायात के मुताबिक बादशाह मिस्र जनाब सारा की खूबसूरती से बाखबर हो गया। जब उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जनाब सारा के साथ उनकी निस्बत के बारे में सवाल किया, तो हजरत इब्राहिम ने उन्हें अपनी बहन के तौर पर पेश किया। जनाब इब्राहिम को मालूम था कि अगर वो इन्हें अपनी जौजा बताते तो बादशाह इनके कत्ल का हुक्म दे देता और जनाब सारा से खुद शादी करता, लिहाजा उन्होंने हकीकत को मख्फी रखा। बादशाह मिस्र ने जनाब सारा को हाजिर किया और इनकी तरफ दस्त दराजी का इरादा किया, मगर इसी असना में इसका हाथ खुश्क हो गया। बादशाह ने सारा से कहा कि वो दुआ करें ताकि इसका हाथ ठीक हो जाए, तो वो इन्हें छोड़ देगा। इनकी दुआ से इसका हाथ ठीक हो गया। इसने फिर गलत इरादा किया तो इसका हाथ फिर खुश्क हो गया। 3 बार ऐसा ही हुआ। आखिर वो पशेमान हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अंदाजा हो गया कि ये अल्लाह की कोई मुकद्दस औरत है। बिलाखर उसने जनाब सारा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वापस भेज दिया। इनके बाद 7 औरतों में जनाब मरियम का नाम आता है। मरियम या मरियम हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन थीं। इनका जिक्र अबरानी किताब मुकद्दस में मिलता है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने मूसा को फिरौन के डर से दरिया में बहा दिया, तो इनकी बड़ी बहन मरियम थी जो दरिया में संदूक के पीछे गई थी और दूर से खड़ी देखती रही कि इनके साथ क्या होता है। इनके बाद 3रा नाम देबोरा का आता है, जिसको बनी इसराइल की 4थी काजिया कहा जाता है। हजरत यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद बनी इसराइल में काजी का सिलसिला शुरू हुआ, जिनका काम बनी इसराइल को शरीयत मूसवी पर चलाना और बनी इसराइल की आज़ादी की हिफाजत करना था। इन्हीं काजियों में एक खातून काजी का नाम देबोरा था। काजी देबोरा के अहद में ही कनानियों और बनी इसराइल के दरमियान एक फैसला कुन जंग हुई, जिसमें काजी देबोरा खुद भी शरीक हुई। इस जंग में बनी इसराइल को फतेह मिली। काजी देबोरा वाहिद खातून है जिसका नाम इब्रानी किताब मुकद्दस में काजी के तौर पर आया है।
मशहूर है कि काजी देबूरा खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर इंसाफ करती थी। इसके बाद चौथी खातून जिनको यहूदियत में नबी माना जाता है, इनका नाम हन्ना है। अबरानी बाइबल के मुताबिक हन्ना हजरत समोइल अलैहिस्सलाम की वालिदा थी। ये एक मुत्तकी खातून थी। शादी के बाद काफी अरसा तक इनके यहाँ औलाद नहीं थी, जिस वजह से इन्हें अक्सर घरेलू मुश्किलात का सामना रहता। एक दफा ये मुकद्दस इबादत गाह गईं और अपनी औलाद के लिए दुआ की। उन्होंने रोते हुए नजर मानी, अगर खुदा ने मुझे औलाद से नवाजा तो मैं अपनी औलाद को खुदा के लिए वक्फ कर दूंगी। इसी लम्हे इस इबादत गाह का काहिन, जिसका नाम एली था, वो इबादत गाह की चौखट पे इबादत कर रहा था। काहिन ने जब हन्ना को यूं रोते हुए देखा तो इन्हें दुआएं दी और खुशी खुशी घर रुखसत किया। कुछ अरसे बाद हन्ना ने समोइल को जन्म दिया। हन्ना ने अपनी नज़र के मुताबिक अपने बेटे को एली के पास इबादतगाह में छोड़ दिया। इनके बाद पांचवीं खातून जिसको यहूदियत में नबी माना जाता है, वो बाइबल के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी एबीगेल है। अबरानी बाइबल के मुताबिक ये एक इसराइली औरत थी। अपने पहले शौहर नाबाल की वफात के बाद इसकी शादी बाइबल के बादशाह डेविड यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से हुई। बाइबल के मुताबिक एबीगेल उनके बेटों में से एक की मां बनी, बाइबल में जिसका नाम डैनियल आया है। इसके बाद छठी खातून जिसको नबी माना जाता है, उसका नाम खुल्दा या हुल्दा है। खुल्दा का जमाना गालिबन 650 कबल मसीह से 600 कबल मसीह का वस्ती दौर था। अबरानी बाइबल के मुताबिक खुल्दा सल्तनत यहूदा के योसिया बादशाह के अहद में नबिया थी। 623 कबल मसीह में तौरात का असल नुस्खा हैकल सुलेमानी में दरियाफ्त हुआ। तौरात के इस नुस्खे की दरियाफ्त के बाद योसिया बादशाह ने वो नुस्खा खुल्दा के पास भेजा ताकि वो इस नुस्खे की तस्दीक करे। इसके बाद सातवीं और आखिरी खातून जिसको यहूदियत में नबी माना जाता है, इसका नाम आस्तर या एस्तर है। आस्तर एक खुदा परस्त यहूदी खातून थी जिसे ईरान की मलका बनने का शरफ हासिल हुआ। आस्तर के चचा मर्दकी ने आस्तर को पाला पोसा था और उसकी तरबियत की थी। हमान बादशाह का मुशीर था लेकिन यहूदियों का जानी दुश्मन था। उसने बादशाह से यहूदियों के कत्लेआम का फरमान हासिल करके तमाम सूबों में भिजवा दिया। मर्दकी को इस साजिश का इलम हुआ और उसने मलका आस्तर की मदद से यहूदियों को हमान की साजिश से बचा लिया। हमान बादशाह की नज़र में गिर गया और फांसी की सजा पाई। मर्दकी को हमान की जगह बादशाह का मुशीर खास मामूर किया गया और अपनी भतीजी मलका आस्तर की मदद से यहूदियों के कत्लेआम को रुकवाने में कामयाब हुआ। आस्तर के नाम से किताब मुकद्दस के अहदनामे कदीम में एक चैप्टर यानी एक किताब आस्तर भी है। यहाँ ये बात कहना ज़रूरी है कि मजहब इस्लाम औरत के हकूक को उजागर करता है और औरत को बहुत मकाम व मरतबा देता है, लेकिन इस सब के बाद भी इस्लाम औरत की नबूवत का कायल नहीं है। बहरहाल ये वो सात खवातीन हैं जिनको यहूदियत में नबी माना जाता है।